गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल सही होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया आगे बढ़ने के लिए सब लोग बैठे हैं कि अब आगे हमें क्या मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में आपको मैंने बताया गया था कि कैसे पार्शियल मर्जिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जब इंटरपेनेट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। इसमें हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ी थी कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं। उनकी कंडीशन ये होती है कि उनके जो ऑर्बिटल होती है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसकी स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन थी। अब इसके अंदर जब टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में पढ़ा तो हमने दो तरह की ओवरलैपिंग पढ़ी थी। एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है, वो ओवरलैपिंग कहाँ होती है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सो देन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन अकर बाई थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग एज वेल एज PP ओवरलैपिंग। टिल दिस मच वी हैव डन। आज हम मतलब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक टू है पाई बॉन्ड। तो आज हम पाई बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, तो आज हम टू से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। टू हमारा आज होएगा पाई बॉन्ड। इसका सिंबल पाई ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप लोग सब लोग हेडिंग डाल चुके हैं शायद पिछली क्लास में, वरना नहीं डाली तो डाल लें। और अब आप पहले समझेंगे फिर अपन डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे ये अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, आपको पता है PZ ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बाय कन्वेंशन अपन ने मान ली है, लेकिन PY ऑर्बिटल और PX वर्टिकली अलाइंड होती है, परपेंडिकुलरली अलाइंड होती है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलरली अलाइंड होगी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है। जब ये परपेंडिकुलरली अलाइंड होगी तो एक इसका लोब ऊपर है, एक इसका लोब नीचे है, तो लोब के बीच में जब पार्शियल मर्जिंग होगी तो वो जो ओवरलैपिंग होगी ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी एज कम्पेयर टू ओवरलैपिंग विच इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसे क्या कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वाली ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग का नाम है साइडवेज या साइडवाइज ओवरलैपिंग। क्या मतलब साइडवेज या साइडवाइज? ये जो लोब्स है ये साइड में ओवरलैप हो रहे हैं, एक्चुअल हेड ऑन या एंड ऑन एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो जैसे उसका नाम था एंड टू एंड सिग्मा वाला, हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग, इसका नाम है लेटरल ओवरलैपिंग, LATERAL लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज या साइडवाइज ओवरलैपिंग। इसमें लोब्स ओवरलैप होते हैं और अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है, जो साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है ऑफ लोब्स की, उन ऑर्बिटल्स में जो परपेंडिकुलर होती हैं अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये ओवरलैपिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सो आई होप इट इज क्लियर। फिर अपन डायग्राम से रिपेक्ट भी करेंगे अभी अभी अपन डेफिनेशन लिखते हैं पाई बॉन्ड। When overlapping of atomic orbitals which are perpendicular to the nuclear axis, which are perpendicular to the nuclear axis. So what is the definition लिख रहे हैं अपन? When overlapping of atomic orbitals which are perpendicular to the nuclear axis takes place, then it leads to the formation, of pi bond. ठीक है। सो अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन। व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस टेक्स प्लेस देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। न्यू लाइन। इट अकर्स
साइड वाइजली, हेंस दिस ओवरलैपिंग, हेंस दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज, इसके काफी नाम है, दो मतलब दो नाम है इसके, इज नोन एज साइड वाइज और साइड वेज, बोथ आर सेम, साइड वाइज और साइड वेज ओवरलैपिंग, और एक और नाम है लेटरल, एल ए टी ई आर ए एल, जहां भी आपको लेटरल ओवरलैपिंग दिखे तो आप समझ जाना कि ये ओवरलैपिंग है जो उन ऑर्बिटल्स की हो रही है जो कि परपेंडिकुलर है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो आई वॉन्ट दैट यू फिनिश इट इन वन मिनट, हाफ मिनट आप इसको खत्म कर लें जो आपने ये लिखा हुआ है। तो ये आपका साइडवेज ओवरलैपिंग का है, इसके अंदर अभी अपन इसका बताएंगे भी, कुछ एग्जांपल्स हम आपको अच्छी अच्छी देंगे इसमें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसमें फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अपन इसकी पहली एग्जांपल लेंगे। अच्छा एक बात ध्यान में रहे, इसको मतलब एग्जांपल से पहले हमें बताना है कि पाई बॉन्ड जो होता है या ये जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है ये सिर्फ एक ही तरह की होती है, पीपी ओवरलैपिंग। आप कहोगे मैडम सिग्मा बॉन्ड में भी पीपी ओवरलैपिंग करी थी, हाँ वहां पीपी ओवरलैपिंग करी थी पीजेड पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल में जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, और यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो पीवाई या पीएक्स के बीच में होगी। तो ध्यान में रहे कि ओनली पीपी ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस वाइल फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये अपन लिख लेंगे, पहले अलग से लिख लेंगे, ओनली पीपी ओवरलैपिंग, ओनली पीपी ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस हियर, यहां पर सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग होती है, तो ओनली पीपी ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस हियर। अब एग्जांपल में हम ले रहे हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, अपन सब क्लास 10 से जानते हैं, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, सर्कल्स बनाते थे अपन कि हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, उसमें आपने O2 में देखा था कि O दो O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। आज आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से आप बहुत डिटेल में और अच्छी तरह समझेंगे कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल कैसे अपन इसको डिपेक्ट करेंगे, वी नो दैट ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो 1s2 2s2 2p4 हम सब जानते हैं। अब आउटर शेल में मेरे पास 2s में दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये मेरा 2p है, मेरे 2p में चार हैं, 1 2 3 और ये 4, ये मेरा एक ऑक्सीजन का मैंने लिखा है, सपोज दिस इज ऑक्सीजन ए। अगर मैं ऑक्सीजन बी का लिखूंगी तो वो भी बिल्कुल वैसा ही मुझे बनाना है, ऑक्सीजन बी ऑल्सो द सेम, यहां पर मुझे ये मतलब अपोजिट स्पिन शो कर देती हूं मैं। तो दीज आर टू ऑक्सीजन एटम्स ए एंड बी, बोथ ऑफ देम हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज था तो दूसरे में मैंने एंटी क्लॉकवाइज बना लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छी तरह समझेंगे। एक बात और आपको मैं एक सिंपल सी बता रही हूँ, एक आध जगह इसमें एक्सेप्शन केस है वो आगे आएगा, बट जनरली 99% आपको ये बताना ज़रूरी है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड होना ज़रूरी है, सिग्मा बॉन्ड के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब O2 मॉलिक्यूल में तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये तुम्हें 10th क्लास से पता है कि O और O के बीच में ऐसा रहता है, एक O ये और एक O ये डबल बॉन्ड, लेकिन उसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है। ये मैं बता रही हूँ कि कोई भी डबल बॉन्ड जब बनता है तो एक सिग्मा होना ज़रूरी है, कुछ एकाध एक्सेप्शन है एक दो वो बाद में बताए जाएंगे। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड अगर बनेगा, जैसे N और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं तो उसमें से एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। अभी ये अपन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, बट मैं ये समझाना चाह रही हूँ पहले से कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या इसमें समझ में आने वाला है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये, इनको अपन मानेंगे ये पीजेड पीजेड ऑर्बिटल में है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इनकी दो पीजेड ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेंगी और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी।
अब जो दो और अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऑक्सीजन एटम में एक एक हैं, वो ओवरलैप करेंगे साइड वाइजली, मतलब वो उन ऑर्बिटल्स में होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो कि परपेंडिकुलर होंगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और उनमें जब वो ओवरलैपिंग होगी साइडवाइज ओवरलैपिंग, तो वहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होएगा। तो इसको हम कैसे डिपेक्ट करेंगे, जब हम O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एक ऑर्बिटल हम बनाएंगे ऐसा PZ वाली, और वो दिखाएंगे उसकी ओवरलैपिंग दूसरे ऑक्सीजन एटम की PZ से, फिर एक ऑर्बिटल हम दिखाएंगे परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस, ये वर्टिकल खड़ी है, देखिए ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ये वर्टिकल खड़ी है, दूसरे एटम की P ऑर्बिटल भी वर्टिकल खड़ी होंगी, समझ आ रहा है। अब ये दोनों जब जुड़ रही हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ये जो जुड़ रही हैं तो ये ऐसे दिख रहा है अपन को, ये मतलब दूर लग रही है बट ये पास पास है, तो ये इनके लोब्स ओवरलैप हो रहे हैं, ये इनके लोब्स ओवरलैप हो रहे हैं, और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है, ये जो यहाँ वाला है ये सिग्मा है, और ये पाई लग रहे हैं आपको दो, लेकिन ये दो पाई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड एक ही है, सिर्फ क्या है मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे आपके पास ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं फॉर एग्जांपल ये है ना, जब ये ओवरलैप होंगी तो ऐसी ओवरलैपिंग होगी, और बीच में यहाँ पर क्या है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये जो लोब्स ओवरलैप हो रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, बट वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3D में एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, दो पाई बॉन्ड नहीं है, डायग्राम में लगता है कि दो पाई बॉन्ड है बट एक्चुअली ओनली वन पाई बॉन्ड इज देयर। तो पाई बॉन्ड के बारे में ये पता होना चाहिए कि इट कंटेन टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वन अबव द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एंड वन बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये हम जब कंपेरिजन करेंगे जब लिखेंगे, अभी जरूरत नहीं लिखने की, अभी बस सिर्फ समझा रही हूँ साइडवेज ओवरलैपिंग और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग भी हो रही है, और इस तरह से वो आप इसके बाद ये बना लो O2 में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। सो आप जल्दी से प्लीज डू द नीडफुल, जैसे भी मैंने बनाया है आप जल्दी से इसको बना लेंगे, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आगे आपको सारा स्टडी बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। तो ये बात आपने लिखी हुई है यहाँ कि पाई बॉन्ड, हाँ ये बात आप लिख लेंगे एक लाइन और कि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज देयर, है ना। तो पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज देयर, जब सिग्मा बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जल्दी से आप ये पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद हम आपको एक और दिखाएंगे मतलब बॉन्डिंग, मतलब एक और एग्जांपल अपन लेंगे जिसके अंदर हम N2 मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग को डिपेक्ट करेंगे। तो नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जांपल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ O2। अब हम ले रहे हैं, आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में बी, लिखें बी में लिखेंगे आप फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब आ रहा है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब जैसे N2 मॉलिक्यूल में हर बच्चे को पता है, देखो किस तरह से आपको वही समझाया जा रहा है, किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सारे मतलब चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, करेक्ट क्या नहीं। अब देखिए आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वी नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, तो ये हम सब जानते हैं। अब हम इस तरह से N2 मॉलिक्यूल में हम लेंगे, N2 मॉलिक्यूल में हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे, नाइट्रोजन का जो 7 होता है 1s2 2s2 2p3, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें अगर मैं आउटर शेल में देख रही हूँ, ये मेरा 2s है और ये मेरा 2p है, है ना। तो ये आपका नाइट्रोजन जैसे ए है, अगर आप नाइट्रोजन बी ले रहे हैं तो नाइट्रोजन बी में भी ये, ठीक है। तो इस तरह से कि आपके स्पिन अबव अप स्पिन भी और बिलो स्पिन में, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी स्पिन्स दिख रही हैं यहाँ। अब इस तरह से ध्यान में रखें, यहाँ पर ऑल द 3p ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बोथ द एटम्स, उसमें से एक एटम की PZ दूसरे एटम की PZ ऑर्बिटल से ओवरलैप होगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बाकी जो दो P ऑर्बिटल है वो वर्टिकली अलाइंड होंगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस,
और क्या बनाएंगी, पाई बॉन्ड। तो एन और एन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें से एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे, हमें पहले से पता है। बट हम डायग्राम को कैसे डिपेक्ट करेंगे वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये आपका एक पी ऑर्बिटल है, दूसरे एटम की एक और पी ऑर्बिटल अपन ने ली, इन दोनों के बीच में आपने जो बॉन्ड बनाया ये आ गया आपका सिग्मा बॉन्ड। अब अपन दूसरा मतलब पेन ले रही हूँ मैं ताकि आपको दिखे उसमें अच्छी तरह कि अपन ने दूसरा जो बॉन्ड ले रहे हैं अपन वो आपका मतलब वर्टिकल ऑर्बिटल्स के लिए अब हम ले रहे हैं। तो जो वर्टिकल ऑर्बिटल्स हैं, सपोज आपकी एक ये है, एक ये वर्टिकल है और एक ये वर्टिकल, दोनों में ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और पी ऑर्बिटल है जो वर्टिकल है, ये इस तरह से, ये भी आपकी थोड़ा वर्टिकल नहीं लग रही बट वर्टिकल ही है। अब जब ओवरलैपिंग हो रही है तो हमें दिखने में लग रहा है कि हमारे पास चार चार पाई क्लाउड है, बट ऐसा नहीं है। ये जुड़ रहे हैं इससे और यहाँ पर एक पाई क्लाउड बन रहा है। ये दोनों जब मिल रही है तो पाई क्लाउड, और ये दोनों मिल रही है जब पाई क्लाउड। तो देखने में लग रहा है कि पाई चार है बट वी हैव ओनली टू पाई, वन पाई बॉन्ड कंटेन टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो दिस इज द वेरी अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एन टू मॉलिक्यूल, जहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एक सिग्मा है और दो आपके पाई हैं। तो वही मैं समझा रही हूँ कि पाई बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है। तो आप जल्दी से ये कर लें, पूरा कंप्लीट कर लें जो मैंने कराया है। ठीक है, और जैसे अपन ने पहले भी कहा था ये बना लें, जैसे अपन ने पहले भी कहा था कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है, तो वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। तो ये एक लाइन लिखेंगे आप लोग, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, विच इज एन इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अब अपन ने पढ़ सब लिया है, पूरा सिग्मा बॉन्ड पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पाई बॉन्ड अपन इस लेक्चर में पढ़ना है, बट स्टिल आपको एक बढ़िया टेबल के फॉर्म में अपन याद करेंगे जिसके अंदर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप सबको लिखना है अपनी कॉपी में क्वेश्चन, कंपेयर बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में कंपेरिजन चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप लोग एक टेबल बनाएंगे सब लोग मेरे साथ, उसमें पहले वाले कॉलम में अपन सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे और दूसरे वाले कॉलम में अपन पाई बॉन्ड लिखेंगे, और हम डिफरेंट पॉइंट से इनको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम हैविंग सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड कॉलम हैविंग पाई बॉन्ड। जल्दी से आप लोग कॉलम बना लें और दो डिवीजन डाल दें उसमें और फटाफट काम अपन करेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मतलब सबसे पहले देखो, कोई भी अपन जब मतलब पूरे पॉइंट तुमने पढ़े हुए हैं बट इसलिए अपन टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं, टेबुलर के पूरे दिमाग में इकट्ठा आ जाएं। तो जैसे क्या मतलब था मेरा कहने का कि जब पहला डिवीजन करेंगे तो हमेशा अपन डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है वो डेफिनेशन सिग्मा बॉन्ड की, अपन ये लिख सकते हैं इट इज़ फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पर इट इज़ फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस मीन्स साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये अपन लिखेंगे पहला पॉइंट सिग्मा बॉन्ड में, सब लोग साथ लिखते जाएंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ
एओज यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आप चाहो तो पूरा लिख लो। इट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, वही डेफिनेशन जो सिग्मा बॉन्ड की पिछले लेक्चर में लिखी थी अपन, वही लिखा है। इट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एओज एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहां पर अपन लिखेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और ये परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस। अब उसके नाम बता देंगे अपन, जैसे कहते हैं अपन एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ये सबने पढ़ा हुआ है। इट इज नोन एज एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड ऑन और एक्सियल, है ना। ये सब सिग्मा बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग के नाम है और वो साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग। सेकेंड पॉइंट, इट इज नोन एज लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग, मतलब जिससे पाई बॉन्ड बनता है उसे साइडवेज कहते हैं और जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है उसे अपन कहते हैं एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत अभी अपन ने डिस्कस किया था, बल्कि अपन ने लिखा है अभी कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, तो ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा। इट इज स्ट्रॉन्गर, यहां लिखेंगे इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से ये वीकर होता है, तो इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। फोर्थ पॉइंट भी आपने पढ़ा हुआ है, हो सकता है आपको एकदम से लगे कि आपने नहीं पढ़ा है, बट आपने पढ़ा हुआ है। क्या है फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट ये है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है बाई SS, SP और PP ओवरलैपिंग, लेकिन पाई बॉन्ड बनता है ओनली बाई PP ओवरलैपिंग। तो ये अपन लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई SS, SP और PP ओवरलैपिंग। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है SS, SP या PP ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म्ड ओनली बाय PP ओवरलैपिंग, है ना। तो इट इज फॉर्म्ड ओनली बाय PP ओवरलैपिंग और ये बनता है SS, SP और PP ओवरलैपिंग। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी अच्छा पॉइंट था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्रिकल मतलब एक अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बस आ रहा है तो सिमेट्रिकल है, लेकिन पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये अपन का नेक्स्ट पॉइंट होएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है? वो सिमेट्रिकल है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है? अनसिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अन
सिमेट्रिकल. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल. ये आपका फिफ्थ पॉइंट आ गया, जल्दी से लिख लें. उसके बाद जैसे अभी अपन ने जब डायग्राम बनाए थे, आपके सामने बने थे, आपने देखा होगा कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं? दो, है ना. तो ये लिखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट. इट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बनता है और यहां पर अपन लिखेंगे इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन अबव एंड वन बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, एक अबव द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और एक बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. उसके बाद एक पॉइंट और है, एक चीज होती है फ्री रोटेशन. जैसे ये एटम है, ये एटम है, इसके बीच में एक्सिस है, दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ एक्सिस, ये आराम से घूम सकता है सिग्मा बॉन्ड. लेकिन इसे कहते हैं फ्री रोटेशन, आराम से घूमना, फ्री रोटेट होना. लेकिन अगर पाई बॉन्ड आप देखोगे तो पाई बॉन्ड में एक क्लाउड ऊपर है और एक क्लाउड नीचे है, तो अगर पाई बॉन्ड को घुमाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि क्लाउड्स ऐसे घूमना शुरू कर रहे होंगे ऊपर नीचे, तो फ्री रोटेशन वहां पर पॉसिबल नहीं होगा. तो अपन सिग्मा बॉन्ड में लिखेंगे सेवन पॉइंट, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल. यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है और यहां हम लिखेंगे फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है. तो यहां फ्री रोटेशन होता है, वहां पर फ्री रोटेशन नहीं होता है. लास्ट पॉइंट ये है कि सिग्मा बॉन्ड अकेला बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म अलोन, लेकिन पाई बॉन्ड फॉर्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ये भी अपने डिस्कस किया था अभी. तो इट कैन, या सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म्ड अलोन, अकेला बन जाएगा. और यहां लिखेंगे एट पॉइंट, इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड. तो ये पूरे आपके कंपेरिजन वाले पॉइंट्स हैं. आई होप कि आपको समझ में सब आए होंगे और आप अच्छी तरह इनको देखेंगे पूरे, तो आपको ये बहुत परफेक्टली डिज़ाइन करके अपन ने इनको, और इनको अपन ने सब एक साथ रखा हुआ है ताकि ये पूरे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह. सो दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ठीक है, आई होप कि आपको सबको ये समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें. पिछली क्लास में हमने बताई थी एक बात, अगर आपको याद है कि पिछली क्लास में अपन ने बोला था कि जब एटॉमिक, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या चीज़ें करी हैं, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसने हमें किन किन पॉइंट्स पे डिस्कस किया है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया है कि जैसे नॉर्मली जो ऑक्टेट रूल था, कॉजल, लेविस, ये सब जितने भी आए थे साइंटिस्ट, इन्होंने बस मतलब ऑक्टेट बता दिया, शेयरिंग बता दी, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहे थे. तो इसने बताया कि भाई ओवरलैपिंग से जब पार्शियल मर्जिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तो ये बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा था. और साथ में आपको याद होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दो चीज़ें, मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या चीज़ों को केयर लिया है, टेक केयर ऑफ व्हाट, ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वेल एज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. और हाइब्रिडाइजेशन जो वर्ड है केमिस्ट्री में, ये इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि आप मतलब इसकी इम्पोर्टेंस को बारे में सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ ये काम आता है.
ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन इस चैप्टर में काम आएगा, फिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा पूरी, फिर ये अगले साल डी ब्लॉक में काम आएगा, इस साल ये एस ब्लॉक में काम आएगा, पी ब्लॉक में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो एक टॉपिक है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्रीकल्चर में भी हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हो यानी मिक्सिंग, यहाँ पर केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग। किसकी मिक्सिंग करना है हमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाती हैं। कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होती हैं, जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है और जिनकी सिमेट्री सेम होती है। सिमेट्री का मतलब वर्टिकल वाली एक साथ, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस वाली एक साथ, ये मिक्स होके क्या देती हैं हमें, ये मिक्स होके हमें देती हैं ऑर्बिटल्स। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल्स बनती हैं, जिनका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नियरली सबके शेप सेम होते हैं और सबकी एनर्जीज भी नियरली सेम होती हैं। इस फेनोमेना का मतलब फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, इस फेनोमेना को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। समझ आई? तो ये टॉपिक अब आज अपन पढ़ना है। अभी तो अपन बिल्कुल इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग ही लेंगे आज, उसका डिटेल अपन अगले दो नियरली टू लेक्चर्स लग जाएंगे इसको ख़त्म करने में। तो आज अपन बस इंट्रोडक्शन थोड़ा ले रहे हैं। तो आप लोग सब अपनी कॉपी में साइड हेडिंग डालेंगे, आप सब क्या रहेगा उस साइड हेडिंग में, हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द साइड हेडिंग इन योर कॉपी विल बी, और वहां जहां हाइब्रिडाइजेशन आप लिख रहे हैं बेटा, वहां पर आप लिखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाकई में हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इसमें से हर जगह मतलब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, जिससे आगे के टॉपिक रिलेटेड हों, तो आगे के टॉपिक सब इससे रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीज़ होती है वो भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लेंगे। इंट्रोडक्शन जब शुरू होता है किसी चीज़ का, आपको मैंने समझा दिया है, अब अपन डेफिनेशन ले रहे हैं। तो आप सब ने यकीनन साइड हेडिंग डाल दी है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डेफिनेशन लेंगे यहां। लिखते जाएं और सुनते जाएं और समझते जाएं फिर से। दी इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, the intermixing of atomic orbitals of nearly same energy ठीक है and same symmetry। what is the meaning of symmetry, या तो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स या अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाली ऑर्बिटल। तो अगेन द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग same energy and shape known as hybrid, underline karo, hybrid orbitals. The intermixing of atomic orbitals of nearly same energy and same symmetry टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप नॉन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो जल्दी से आप ये पूरी डेफिनेशन लिख लें। लिखने के बाद एक दफा आप डेफिनेशन को जरूर पढ़ लेंगे अपने आप, ताकि आपको समझ में आए कि ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है या जो हमने पढ़ी है इसका मीनिंग क्या है और आगे हम इससे क्या करने वाले हैं। हो गया?
अच्छा यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा हुआ है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। अच्छा जैसे मैं वर्ड का मतलब बता रही हूँ क्योंकि उसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। यहाँ लिखा है अपन ने ऑफ नियरली सेम एनर्जी और वहाँ लिखा है बुक में ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, तो ये भी बात ही एक है, दोनों का मतलब एक ही है ना, स्लाइटली डिफरेंट है यानी सेम ही है, लेकिन अपन वो वर्ड भी लिख लेते हैं। तो ये जो नियरली सेम एनर्जी लिखा है उसके वहीं लिख लो, और स्लाइटली इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ और पढ़ना है बस ज़रा सा, कि हम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये लास्ट टॉपिक आज का अपन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसी को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में आपको ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को जो हाइब्रिडाइजेशन का शुरू करा था आज अपन ने 10-15 मिनट, इसको पूरा देख के आना है, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आप जल्दी से लिखेंगे साइड हेडिंग, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी अपन ने डेफिनेशन में काफी पॉइंट बता दिए हैं, बट अपन फिर से बताएंगे एक दफा और फिर अपन लिख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट फीचर है हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के, कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनती हैं वो इक्वल होती है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। ठीक है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करी आपने उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी बनेंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की और उनका शेप भी सेम होता है। तो ये सेकेंड कंडीशन हुई, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। आप कहोगे कि मैडम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बढ़िया बॉन्ड फॉर्मेशन बता दिया था, अब ये क्या आप पढ़ाने लगी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वीबीटी को चैन नहीं आया कि उसने हाइब्रिडाइजेशन लेके क्यों बैठ गया? क्योंकि अपन जब एग्रीकल्चर में भी देखते हैं कि जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स देते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं किसके मुकाबले में, जो ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में, एटॉमिक स्पीशीज की दुनिया में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एज कंपेयर टू सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर लास्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का वो ये होएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो स्पेस में ऐसे ओरिएंट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन टू गिव द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और वहीं पर मैंने ये बात आप याद करो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी अपन ने कि वीबीटी में ने क्या इम्प्रूवमेंट करे हैं, मतलब वीबीटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, वीबीटी ने डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स की क्या बताई है। तो उसने कहा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ साथ शेप को भी कंसिडर करेंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन में अपन देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं काय के, जो आपने हेडिंग डाली है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला अपन लिखेंगे इसमें फर्स्ट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed equal to number of atomic orbitals combined। ठीक है, जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी कितनी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगी। सेकेंड पॉइंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम होता है। थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए एच ओ लिख दिया मैंने, ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, फोर
क्या है फोन कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस इन डिफरेंट डायरेक्शन टू गिव द ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल. तो ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस इन डिफरेंट डायरेक्शन आर ओरिएंटेड इन स्पेस इन डिफरेंट directions to give the geometry or shape of molecule, to give the geometry or shape of a molecule या compound भी लिख सकते हो आप. तो आप जल्दी से ये points लिखें और लिखने के बाद आप देखें कि क्या आपको समझ में आ गए हैं. बढ़िया points हैं ये सारे. तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए हैं. और एक चीज़ और बना दूं यहाँ पर कि जैसे अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है. सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल का अपन कहा ना इक्वल शेप है, उसमें एक बड़ा लोब होगा और एक स्मॉल लोब होगा. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई सी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, उसके ये शेप भी आप चाहें तो अपनी कॉपी में बना लें ताकि आपको ईजीली समझ में आए कि आपने मतलब क्या करा है यहाँ पर. तो आज का अपना टॉपिक यहीं तक था. अब अपन सम अप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, क्योंकि सम अप करने से बहुत ज़्यादा ब्रशअप होता है पूरे नॉलेज. आज हमने पढ़ा पाई बॉन्ड जो कि बनता है बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस. फिर हमने पढ़ा कि पाई बॉन्ड में सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग से होता है, या तो पीएक्स या पीवाई. पाई बॉन्ड जब बनता है तो वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है क्योंकि वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं. फिर हमने O2 और N2 की बढ़िया एग्जांपल्स पढ़ी. हमने ये बताया गया कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बगैर नहीं बनता. फिर आपने एक बहुत बढ़िया टेबल लिया जिसमें आपने बताया कि ये अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग से होता है सिग्मा, वो होता है टू द ऑर्बिटल विच आर परपेंडिकुलर. इसे एंड टू एंड या हेड ऑन या एक्सियल कहते हैं, उसे लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग कहते हैं. ये स्ट्रॉन्गर होता है वो पाई, इससे वीकर होता है सिग्मा से. सिग्मा बनता है SSPP या SP ओवरलैपिंग से, पाई बनता है सिर्फ PP ओवरलैपिंग से. सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता. सिग्मा बॉन्ड अकेला बन जाता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के प्रेजेंस में बनता है. तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्रिकल है, पाई बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल है. सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं. ये बहुत बढ़िया मतलब जैसे कहते हैं ना नॉलेज वाला टेबल था. उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन का बस इंट्रोडक्शन लिया है आज, कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अपन मिक्स करते हैं. कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है और या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज वाली और सेम सिमेट्री वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होती हैं तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देती हैं जो कि जिनका नंबर होता है उतना ही जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं. सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप और मतलब एनर्जी बराबर होती है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में ओवरलैप होती हैं, ओरिएंट होती हैं, डायरेक्शन उनका होता है ऐसा ताकि क्या दें, स्टेबल मॉलिक्यूल दें जिसमें रिपल्शन सबसे कम है और शेप मॉलिक्यूल का दे दें. तो दिस इज द लेक्चर विच वी हैव डन टूडे. ईच एंड एवरी थिंग इन दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Please revise it when you come to the next lecture. Don't enter the next lecture without revision of this lecture. So with this quote, I want to finish my class, my dear children. Don't forget, as I am telling you always, but you have to listen to it also. Don't only listen the quote, that you have shared the knowledge, you have to like the video and you have to subscribe my channel and tell to many, many of your friends. So all the best, dear children of class 11th or class 12th also, जो भी मेरी video देख रहा है. Bye-bye.